हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टॉक एनालिसिस। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग बात करेंगे Q4 में आने वाली जो रिजल्ट है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है और कौन सा जो है सेक्टर आपको बना के देगी अच्छा प्रॉफिट। तो अंत तक बना रहिए, और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों जो बैंक है, इंडिया का जो है टॉप मोस्ट लीडिंग बैंक है, जो अभी तक जो है इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट जो नंबर वन बैंक है एचडीएफसी बैंक है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है आईसीआईसीआई बैंक का भी नंबर आता है। तो दोनों बैंक का जो है रिजल्ट आने वाला जो है 16 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और 23 अप्रैल को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है। तो दोनों का जो रिजल्ट है करीब कुछ दिन बाद में आने वाला है। तो इस बीच में जो है आईसीआईसीआई बैंक का जो काफी एक पॉजिटिव न्यूज आया हुआ है सीएलएसए की तरफ से। सीएलएसए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि ये दावा कर रही है कि ये जो आने वाले जो क्वार्टर है Q4 का जो रिजल्ट रहेगा उसमें जो है एचडीएफसी बैंक से बेहतर रिजल्ट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पे सीएलएसए ने यहाँ पे दावा किया है कि जो है पहले जो कुछ सालों से कुछ क्वार्टर से जो है रिजल्ट जब क्वार्टरली रिजल्ट जब आता था तो ज़्यादातर जो है एचडीएफसी बैंक का एनपीए भी कम होता था और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता था। तो ग्रोथ एचडीएफसी का क्वार्टर टू क्वार्टर काफी अच्छा रहता था। लेकिन अभी आने वाला ये क्वार्टर से जो है थोड़ा सीन चेंज हो सकता है। सीएलएसए का मानना है कि जो है आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट ये क्वार्टर में जो है आइदर जो है एचडीएफसी बैंक का टक्कर का होगा, जो इसमें जो है टक्कर का होगा, या फिर जो है एटलीस्ट जो है एचडीएफसी बैंक से नहीं तो जो है रिजल्ट काफी अच्छा होगा। तो सीएलएसए का यही दावा है। और सीएलएसए ने काफी एक रिपोर्ट भी पेश किया है, काफी साल का जो है ट्रैक रिकॉर्ड बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का जो है रिजल्ट को लेके काफी कंपेरिजन भी किया है। तो ये है रिपोर्ट की सीएलएसए ऑलरेडी बता रही है कि जो है आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से बेहतर रिजल्ट करने वाली है। तो अभी जो है एक बार देख लेते हैं दोनों शेयर का जो है एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं टेक्निकली और फंडामेंटली कि क्या इसको अगर आप कुछ बैंकिंग में कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक लेना चाहिए या फिर एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक इसका प्राइस चल रहा है 736 रुपीज़, मार्केट कैप है 5,11,603 करोड़ का। बाकी सारे के सारे पैरामीटर जो है पॉजिटिव है। और जो टेक्निकली अगर देखें तो एक साल में कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न दिखाया था जो कि अभी 200 DMA का ऊपर कंपनी के स्टॉक ट्रेड कर रही है और 50 DMA का ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अगर यहाँ से अगर एक बार रैली स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूअसली जो है कंपनी रैली एक अच्छा रैली दिखा सकती है। अगर रेवेन्यू का बात करें तो जून 2021 करोड़ में क्वार्टर में 22,615 करोड़ का सेल्स कंपनी ने सेल्स रेवेन्यू किया था, और सेप्टेम्बर 2021 क्वार्टर में 23,000 करोड़ का सेल्स है, और दिसंबर 2021 में 24,000 करोड़ का सेल्स है। तो कंटिन्यूअसली 1,000 करोड़ का सेल जो है ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में 4,763 करोड़ का जून क्वार्टर में 2021 को से नेट प्रॉफिट कंपनी का था, और जो है सेप्टेम्बर क्वार्टर में 6,100 करोड़ का करीब जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का था, और दिसंबर क्वार्टर में 6,537 का जो है 6,537 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का था। तो कंटिन्यूअसली जो है प्रॉफिट में ग्रोथ कंपनी का ऑलरेडी दिख रहा है। और बोरोइंग का बात करें तो कंपनी का बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर लेंडिंग बोरोइंग तो करती रहती है। अगर प्रोमोटर की बात करें तो एफआईआई के पास है 45.3%, डीआईआई के पास है 43.75%, गवर्नमेंट के पास है 0.24% और पब्लिक के पास है 10.70%। तो ये था आईसीआईसीआई बैंक का। और एचडीएफसी बैंक अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक का भी एक बार देख लेते हैं। इनका जो है करीब करीब मार्केट कैप है 8,35,158 करोड़ का, और अभी प्राइस चल रहा है 1,506 रुपये का प्राइस जो है एचडीएफसी बैंक का शेयर का चल रहा है। बाकी सारे के सारे पैरामीटर जो है पॉजिटिव में है, और स्टॉक का प्राइस जो है ये भी एकदम से जो है 50 DMA और 200 DMA का जस्ट ऊपर ट्रेड कर रही है। स्टॉक अगर बात करेंगे रेवेन्यू का तो रेवेन्यू में जून 2021 में 32,000 का रेवेन्यू कंपनी ने किया था, सेप्टेम्बर में 33,000 का 33,000 करोड़ का सेल्स था,
और दिसंबर में 34,500 का सेल्स कंपनी ने किया था सेल्स रेवेन्यू। तो इसमें भी सेम है, जो रेवेन्यू है कंटिन्यूअसली 1,000 करोड़ का जो है बढ़त है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट भी सेम है, करीब करीब जो है 8,000 का सेल्स नेट प्रॉफिट कंपनी ने जून क्वार्टर में किया था, 9,000 का सितंबर करोड़ में, और करीब करीब 10,500 का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में किया था। तो ये भी जो है कंटिन्यूअसली सेम ही जा रही है आईसीआईसी बैंक की तरह ही। और बोरिंग की अगर बात करें तो बोरिंग भी इसमें भी काफी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है, लेंडिंग बोरिंग तो करती रहती है। अगर बात करें प्रोमोटर्स के, तो प्रोमोटर के यहाँ पे 25.80% का होल्डिंग है प्रोमोटर का, एफआईआई का 37% और डीआईआई का 27% का, बाकी जो है पब्लिक के पास 11.5% का स्टेक है। तो दोनों में कंपैरिजन करके अगर बताया तो एचडीएफसी बैंक जो है अभी तक जो है कंट्री का सबसे लार्जेस्ट और सबसे रेपुटेड बैंक है, लेकिन जो है बैंकिंग सेक्टर में ये जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है कि क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स और एनपीए, ये सब मार्जिन वगैरह जो है कंपनी का रिजल्ट, जो स्टॉक जो है उसी वही स्टॉक जो है ऊपर जाएगी जिसका जो है रिजल्ट बढ़िया रहेगा। तो सीएलएसए ने ऑलरेडी बता दिया है, तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर जो कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है 16th of April 2022 और 23rd of April 2022 को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, तो आपको ये दिख सकता है कि 6-7% का ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का डाउन और आईसीआईसीआई बैंक का अप, ये दिख सकता है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।